हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कैंसर के बारे में। ये जो टॉपिक है एग्जाम में लॉन्ग में पूछा जाता है, और इस वीडियो में आपको कैंसर का पूरा डिटेल्स बताऊंगी। बहुत ही इजी वे में आंसर है, लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है कैंसर? फर्स्ट इंट्रोडक्शन, ए कैंसर इज अ ट्यूमर। कैंसर जो होता है ट्यूमर होता है, ट्यूमर मतलब एक तरह से गांठ बोल सकते हैं। इट इज़ एन एबनॉर्मल ग्रोथ और इनलार्जमेंट ऑफ टिश्यू। ये जो होता है किसी भी टिश्यू का, मतलब एक टिश्यू का एक असामान्य ग्रोथ होता है ये। ए ट्यूमर सर्व नो यूजफुल पर्पस बट इज़ हार्मफुल एज इट ग्रो एट द एक्सपेंस ऑफ होस्ट लाइक ए पैरासाइट। बोला जा रहा है ट्यूमर कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं करता है, लेकिन हानिकारक होता है, क्योंकि ये जो है ये पैरासाइट की तरह होस्ट की कीमत को बढ़ाता है। देयर इज़ नो क्योर फॉर कैंसर। कैंसर का कोई इलाज नहीं है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर। ए ट्यूमर अराइज फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग टिश्यू और सेल ऑफ द बॉडी। कैंसर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। ए ट्यूमर जो पहला पॉइंट है, इसमें बोला जा रहा है ट्यूमर जो होता है बॉडी के किसी भी मतलब ये तो नहीं मौजूद होता है, जो टिश्यू जो मौजूद होता है या फिर सेल, उससे ये प्रोड्यूस होता है। एक द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर इज ऑटोनोमस। जो मतलब ट्यूमर का जो ग्रोथ जो होता है वो ऑटोनोमस होता है। दे हैव लार्ज एंड इरेगुलर न्यूक्लियाई। इनका जो न्यूक्लियाई होगा वो बहुत ही लार्ज बड़ा होता है और इरेगुलर शेप का होता है। दे लॉस देयर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये जो है ये अपने कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को खो देता है। टाइप्स ऑफ कैंसर। द कैंसर आर क्लासिफाइड मेनली इन टू वे। कैंसर को दो भाग में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसर आर क्लासिफाइड इन टू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन। सबसे पहले तो कैंसर को दो भाग में बांटा गया है उसके पोजिशन के बेसिस पे। दे आर मेलिग्नेंट ट्यूमर एंड नॉन मेलिग्नेंट ट्यूमर। जो दो टाइप्स में बांटा है, वो पहला जो है वो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है और दूसरा नॉन मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है। पहले के बारे में जान लेते हैं, मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है। इट ग्रो रैपिडली एंड सेपरेट फ्रॉम द प्लेस इन विच इट स्टार्टेड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी नियर बाय और अवे। बोला जा रहा है मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है एक तरह का ऐसा ट्यूमर होता है बॉडी के जिस भाग में ये मतलब ग्रो होता है, जिस जो टिश्यू ये ग्रो होता है बहुत तेज़ी से वो बड़ा होता है, ग्रो होता है, और वो जो होता है वो आस पास की जगह में वो फैल जाता है। और नॉन मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, तो इट इज़ कन्फाइंड टू द एरिया इन विच इट ओरिजिनेटेड। ये जिस जगह पे ये मतलब होता है वो उसी जगह पे सीमित रहता है। इट्स ग्रोथ इज ऑलवेज स्लो, और वो जो बढ़ता जो है वो बहुत ही धीमे से वो मतलब ग्रोथ करता है। सेकेंडली, फिजिशियन क्लासीफाई कैंसर ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू इन विच दे ओरिजिनेट इफ यू गिवन आर बिलो। जैसे कि मेलिग्नेंट समझ गए कि जो वो होगा वो बहुत स्पीड से ग्रो होगा और वो फैल जाता है। नॉन मेलिग्नेंट जो होगा वो बहुत ही धीरे ग्रो होगा और साथ ही साथ वो फैलता नहीं है। और सेकंड जो है वो बेस टिश्यू के बेसिस पे कुछ भाग में बांटा है। पहला जो है सर कार्सिनोमा। ये क्या होता है, कार्सिनोमा इज अ ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम एपिथेलियल सेल। ये जो कार्सिनोमा जो ट्यूमर जो होता है ये एपिथेलियल सेल से अराइज होता है। इट अकर ऑन द स्किन एंड इन द लाइनिंग मेम्ब्रेन ऑफ इंटरनल ऑर्गन। ये कहाँ पे होता है, तो ये हमारे त्वचा में हो सकता है या फिर जो इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं उनके लाइनिंग मेम्ब्रेन में ये होता है। उसके बाद है सरकोमा। ये क्या होता है, सरकोमा आर मेलिग्नेंट ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम एनी कनेक्टिव टिश्यू। सरकोमा जो होता है ऐसा मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है जो किसी भी कनेक्टिव टिश्यू से ये अराइज होता है। उसके बाद है ऑस्टियोमा। ये कहता है ऑस्टियोमा आर ट्यूमर ऑफ बोन्स। ऑस्टियोमा जो होता है ऐसा ट्यूमर होता है जो बोन्स हड्डियों में होता है ये। उसके बाद है फाइब्रोमा। इट इज़ अ ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम फाइब्रस टिश्यू। ये एक तरह का ऐसा ट्यूमर होता है जो फाइब्रस टिश्यू से अराइज होता है। उसके बाद है ग्लियोमा। दिस कैंसर डेवलप इन द नेटवर्क ऑफ सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू इन द ब्रेन एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये एक तरह का ऐसा कैंसर होता है जो कनेक्टिव टिश्यू के सपोर्ट से एक तरह से नेटवर्क की तरह बना के ये डेवलप होता है। और कहाँ से, तो ये ब्रेन और CNS से ये डेवलप होता है।
उसके बाद है मेलोनमा, ये क्या होता है, दिस इज रैपिडली ग्रोइंग पिगमेंटेड ट्यूमर, ये बहुत स्पीड से बढ़ने वाला ट्यूमर होता है, इट ओरिजिनेट्स इन सर्टेन टाइप ऑफ पिगमेंटेड मोल फाउंड ऑन द स्किन। और ये कहाँ से होता है, तो ये जो हमारे बॉडी स्किन में जो मोल जो मौजूद होता है, मोल्स पिगमेंट, उनसे ये ओरिजिनेट होता है। इफ दिस मोल आर इरिटेटेड दे रैपिडली बिकम्स मैलिग्नेंट एंड रिजल्टिंग कैंसर मेटामेसाइज रैपिडली। ये जो होता है, अगर ये मोल्स इरिटेट हो जाते हैं तो ये क्या होता है, ये बहुत जल्दी से ये मैलिग्नेंट का रूप ले लेते हैं, जिस वजह से कैंसर ये मतलब बन सकता है आगे जाके। उसके बाद है लिम्फोमा, ये क्या होगा, द कैंसरस ग्रोथ डेवलपिंग ऑन द लिम्फ नोड एंड अदर टिश्यू ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम आर कॉल्ड लिम्फोमस। ये जो कैंसरस ग्रोथ होता है, जो डेवलप होता है लिम्फ नोड से और दूसरे मतलब लिम्फेटिक टिश्यू के दूसरे टिश्यू से जो डेवलप होता है, उसको लिम्फोमस कहा जाता है। उसके बाद है टेराटोमा, टेराटोमस अराइज फ्रॉम द सेल डिस्क ड्राइव इन द मोरूला स्टेज इटसेल्फ। जो टेराटोमा जो होता है, ये मोरूला स्टेज में ये ड्राइव्ड होता है, लेटर दे एक्वायर्ड द एबिलिटी फॉर ग्रोथ, उसके बाद ये ग्रोथ बाद में जाके ये ग्रो करता है। इट इज सजेस्टेड द टेराटोमा इज सप्रेस्ड फीटस रिजल्टिंग फ्रॉम एन अनडिफ्रेंशिएटेड जर्म सेल और ए फर्टिलाइज पॉलर बॉडी और ए डेवलप बाई पार्थेनोजेनेसिस। ये जो है ये डेवलप होते हैं पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा, या फिर इसको अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं कि टेराटोमा को कंसिडर किया गया है एक तरह से इंडिविजुअल में, एक तरह से पारासिटिक फीटस के द्वारा इसको मतलब इसको जाना गया है। उसके बाद है कॉजेज ऑफ कैंसर, कैंसर का क्या कारण है। तो इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आवर नॉलेज इट इज स्टिल नॉट क्लियर जस्ट व्हाट कॉजेज अ कैंसर। अभी के टाइम में बोला जा रहा है कि वर्तमान टाइम में अभी कोई स्पष्ट नहीं है कि कैंसर का क्या कारण है। हाउएवर देयर आर सर्टेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, लेकिन कुछ कारक होते हैं जिनसे मतलब बोला जाता है कि कैंसर हो सकता है। पहला जो है क्रोनिक इरीटेशन, क्रोनिक इरीटेशन कॉजेज कैंसर, जो क्रोनिक जलन जो होता है उससे भी कैंसर हो सकता है। देयर आर वेरियस एग्जाम्पल, इसके कई एग्जाम्पल हैं। इरीटेशन कॉज टू द टंग बाय ब्रोकन और मालफॉर्म टीथ हैज ऑफ्टन लेड टू द कैंसर ऑफ द टंग। बोला जाए जो टूटा हो टूटे या विकृत दांत के कारण जो जीभ में होने जीभ में जो दर्द होता है उससे भी कैंसर वो हो सकता है। कैंसर ऑफ द लीफ वेयर क्वाइट कॉमन व्हेन क्ले पाइप वेयर इन यूज। बोला जा रहा है जब क्या होता था, जब मिट्टी के पाइप का उपयोग किया जाता था तब होंठ का कैंसर काफ़ी आम था। उसके बाद है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, देयर आर एविडेंसेज टू शो दैट कैंसर ईजली स्ट्राइक सिटी ड्वेलर देन कंट्री ड्वेलर। बोला जा रहा है कि कुछ मतलब तो बहुत सारे ऐसे सबूत है कि उसमें बोला जाता है कि कैंसर जो है आसानी से शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने चपेट में लेता है। इट इज़ ट्रू दैट द एटमोसफेयर ओवर सिटीज इज ऑफ्टन पॉल्यूटेड विद द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन ऑफ कॉयल एंड ऑयल विद मोटर एग्जॉस्ट गैसेस। क्या होता है कि जो सिटीज होता है वहाँ का जो एटमोसफेयर जो होता है बहुत ही पॉल्यूटेड होता है। किसका, तो कोयले का कंबशन, ऑयल का, मोटर का, ये सब गैसेस का कंबशन होता है। द इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज कॉज्ड ए कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कैंसर एरिया। जो इंडस्ट्रियलाइज का जो इंक्रीज मतलब बढ़ रहा है उसके कारण भी क्या होता है, कैंसर का केसेस बढ़ रहा है। उसके बाद है स्मोकिंग, स्टैटिस्टिकल स्टडीज शो दैट हैवी स्मोकिंग ऑफ सिगरेट कॉजेज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लंग कैंसर केसेस। बोला जा रहा है कि एक थ्योरी से संख्या अध्ययनों से पता चलता है कि सिगरेट का अत्यधिक सेवन करने से क्या होता है, फेफड़ों के कैंसर का मामला जो है अभी संख्या में मतलब वृद्धि हुआ है, बढ़ गया है। देयर इज एज इट नो पॉजिटिव एविडेंस दैट सिगरेट स्मोकिंग अलोन कॉजेज लंग कैंसर। बोला जाए अभी तक इस बात का कोई सकारात्मक प्रमाण नहीं है कि अकेले सिगरेट पीने से ही फेफड़ों का कैंसर होता है। उसके बाद है रेडिएशन, इट इज़ नाउ वेल नोन दैट एक्सेसिव रेडिएशन कॉजेज कैंसर। ये बोला जा रहा है कि एक होता है कि अत्यधिक विकिरण के कारण भी कैंसर बनता है। अर्ली इन्वेस्टिगेटर हु यूज्ड एक्सरे विदाउट एप्रोप्रिएट शेडिंग एंड अदर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस ऑफ्टन फेल विक्टिम टू द रे एंड सम ऑफ द डेवलप कैंसर। बोला जा रहा है कि एक होता है प्रारंभिक जाँचकर्ता जो है उचित ढाल या फिर अन्य सुरक्षात्मक मतलब एक प्रोटेक्टिव उपकरण के बिना जो एक्सरे का उपयोग करते थे वे अक्सर किरणों का शिकार हो जाते हैं और उनसे क्या होता है, उनसे कुछ कैंसर से पीड़ित हो जाते थे। इफ द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज अलाउड टू इंक्रीज विदाउट राइम और रीजन दे मेयर इज
कैटास्ट्रॉफिक इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कैंसर एरिया। एक तरह से बोल सकते हैं कि यदि विकिरण की मात्रा को बिना किसी रोक टोक के बढ़ने दिया जाए तो कैंसर के मामलों की संख्या में भी भयावह वृद्धि हो सकती है। उसके बाद एक केमिकल सब्सटेंस एडेड टू फूड एंड मेडिसिन मे हैव द इफेक्ट ऑफ कॉजिंग द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। जो भोजन और मेडिसिन में जो मिलाए जाने वाले जो केमिकल पदार्थ जो हैं वो कैंसर के विकास का कारण बनने का क्षमता हो सकता है। उसके बाद है डायग्नोसिस। हियर इज अ लिस्ट ऑफ सिम्टम्स दैट मे इंडिकेट प्री कैंसरस और कैंसर ग्रोथ। फर्स्ट, एनी सोर दैट फेल टू हील और एनी सोर दैट हील्स बट रिटर्न। बोले जा रहे कोई घाव जो ठीक ना हो पाए या फिर कोई घाव जो ठीक हो जाए पर फिर से वापस हो जाए तो। एनी कंटिन्यूस और रिपीटेड डिस्चार्ज और ब्लीडिंग फ्रॉम एनी ओपनिंग इन द बॉडी। शरीर के किसी भी छिद्र से लगातार या बार बार स्राव होना या रक्तस्राव, विशेषकर मतलब रक्तस्राव बार बार होना, वहाँ से भी कैंसर का भी कारण हो सकता है। एनी लंप और मास वेदर ए सोर और नोट दैट अपेयर इन अ टिश्यू, पार्टिकुलर ए लंप डेवलपिंग इन द ब्रेस्ट। बोला जा रहा टिश्यू में उत्पन्न होने वाला कोई गांठ या फिर मास, चाहे वो घाव हो या ना हो, विशेषकर जो ब्रेस्ट में विकसित होने वाला गांठ जो होता है। इनडाइजेशन और एनी एबनॉर्मल फीलिंग इन द स्टमक विच प्रसिस्ट और डिसअपीयर बट रिटर्न रिपीटेडली। अपच या पेट में कोई असामान्य अनुभूति जो बनी रहती है या गायब हो जाती है लेकिन बार बार लौट आती है। उसके बाद फिफ्थ है एनी सच थिंग और अल्टरनेटिव कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, कब्ज और दस्त जैसी कोई भी समस्या होना। उसके बाद लिखिएगा ऊपर में ट्रीटमेंट। पहले के टाइम में कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं था लेकिन अभी के टाइम में कैंसर का ट्रीटमेंट आ चुका है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा सर्जरी। इससे कैंसर कैन बी क्योर्ड बाय कम्प्लीटली रिमूविंग द कैंसरियस ग्रोथ। कैंसर को पूरी तरीके से हटाया जा सकता है उसके कैंसरियस ग्रोथ को रिमूव करके। दूसरा पॉइंट है रेडिएशन। कैंसर कैन बी ट्रीटेड सक्सेसफुली बाय ट्रीटिंग देम विद एक्सरे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। कैंसर को ठीक किया जा सकता है अगर उसको एक्सरे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से उसको ट्रीट किया जा सके तो। बीम ऑफ रेडिएशन आर फोकस्ड ऑन द ट्यूमर। जो रेडिएशन का जो बीम जो होता है वो ट्यूमर के ऊपर फोकस्ड किया जाता है। द रेडिएशन किल द कैंसर सेल, और जो रेडिएशन जो होता है वो कैंसर सेल को मार देता है। इन सम केसेस माइनर पार्टिकल ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आर इंसर्टेड डायरेक्टली इनटू द कैंसरियस ट्यूमर टू किल द कैंसर सेल। कुछ केसेस में क्या होता है कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को डायरेक्टली इंसर्ट किया जाता है कैंसरियस ट्यूमर में ताकि वो कैंसरियस सेल को मार सके। उसके बाद है लेजर ट्रीटमेंट। इन लेजर ट्रीटमेंट ए रेडिश ब्लैक ड्रग कॉल्ड हेमेटोफायरिन ड्राइवेटिव इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। इन लेजर ट्रीटमेंट क्या होता है, तो एक रेडिश ब्लैक ड्रग जो होता है जिसको हेमेटोफायरिन रेडिएटिव कहा जाता है, इसे इंजेक्टेड किया जाता है बॉडी में। एचपीडी इज रिटेन ओनली बाय कैंसर सेल, इसको रिटेन किया जाता है बस कैंसर सेल के लिए। आफ्टर वन और थ्री डे ट्यूमर आर लोडेड विद द ड्रग बट मोस्ट ऑफ द नॉर्मल टिश्यू आर फ्री फ्रॉम इट। ज़्यादातर क्या होता है इससे ठीक हो जाता है, मतलब नॉर्मल टिश्यू जो होता है वो फ्री हो जाता है। ये नीचे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फोर्थ है मैजिक बुलेट। ट्यूमर सेल हैव ट्यूमर एंटीजन ऑन देयर सरफेस। ट्यूमर सेल के पास होता है ट्यूमर एंटीजन होता है उनके सरफेस पर। एंटीबॉडीज आर प्रिपेयर्ड अगेंस्ट दिस एंटीजन इन विट्रो। एंटीबॉडीज को बनाया जाता है इसके एंटीजन के अगेंस्ट में। दिस एंटीबॉडीज आर लिंक टू ए टॉक्सिन, और ये एंटीबॉडीज जो होता है लिंक्ड होता है टॉक्सिन से। एग्जाम्पल के लिए रिसिन जो होता है एक तरह का टॉक्सिन होता है जो यूज होता है बी लिम्फोमा ट्यूमर सेल के लिए। उसके बाद स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। लीकोमिया, मायोलिमा एंड लिम्फोमा कैन बी ट्रीटेड बाय स्टेम ट्रांसप्लांटेशन। जो लीकोमिया, मायोलिमा और लिम्फोमा जो एक तरह का कैंसर जो है उसको ठीक किया जाता है स्टेम ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा। सिक्स है केमोथेरेपी। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर यूजिंग ड्रग इज कॉल्ड केमोथेरेपी। बोला जा रहा है कैंसर को ठीक करने के लिए जो ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको केमोथेरेपी कहा जाता है। द कैंसर ड्रग इनहिबिट माइटोसिस। मस्टर्ड गैस इज यूज एज ए कैंसर ड्रग। जो मस्टर्ड गैस जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है कैंसर ड्रग में। इट एड अल्काइल ग्रुप ऑफ ग्यूनाइन ऑफ डीएनए ऑफ कैंसर सेल। दिस प्रिवेंट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ऑफ कैंसर सेल एंड स्टॉप डिवीजन। बोला जा रहा है इसमें जो है अल्काइल ग्रुप मिलाया जाता है एडेनाइन का डीएनए
कैंसर सेल में ये मार देता है किसको, डीएनए के रेप्लिकेशन को, मतलब डीएनए का कॉपी बनाने में, जो कि कैंसर सेल क्या होता है लास्ट में वो उसका डिवीजन जो है वो रिक जाता है।